अरे अरे डरो मत, मारूंगा नहीं मैं, कबीर सिंह नहीं हूं मैं, डर गए ये लोग है। तो गाइस आज हम बात करेंगे कबीर के बारे में। नहीं, कबीर के दोहे वाला कबीर नहीं, कबीर का एक ही है वाला कबीर सिंह के बारे में। कबीर सिंह दारू पीतो, सिगरेट ओढ़तो, मारामारी करतो, कबीर कसा ही आसू दे रे, पन कबीर नीच नहीं है। कबीर दारू पीता है, सब नशे करता है, मारामारी करता है, पर कबीर नीच नहीं है यार। सॉरी, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं तुम लोग को। कबीर सिंह एक मूवी है और ये कैरेक्टर उस मूवी में, ये कोई असल ज़िंदगी में मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ गाइस। कबीर सिंह को रिलीज़ हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया अब तक, और मैंने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखा कि लोगों को ये मूवी पसंद आई है तो कुछ लोगों को मूवी नहीं पसंद आई है, जैसे हर मूवी का होता है ऑब्वियसली वैसा ही है। लेकिन ये कुछ कुछ लोगों के बीच में ये फेक फेमिनिस्ट लोग को क्यों कुछ कुछ होता है यार। कबीर सिंह का ट्रेलर देख के पता चल जाता है कि इस मूवी में वॉयलेंस होगा, गालियाँ होंगी, मारपीट वगैरह होगी, और कुछ ऑफेंसिव चीज़ें भी हो सकते हैं जिसके वजह से ये वॉनबी फेमिनिस्ट ऑफेंड हो सकते हैं। इसलिए तो ये मूवी अडल्ट कर दी गई है यार, और इंडिया में माना जाता है कि समझदार लोग मतलब 18+ वाले ही लोग हैं। फिर भी ये फेक फेमिनिस्ट लोग गए थिएटर में मूवी देखा, और फिर बाहर आके बोलते हैं कि ओ कबीर सिंह इतना वायलेंट कैसे है पिक्चर में यार, वो ऐसे कैसे लड़की के ऊपर हाथ उठा सकता है, वो ऐसे कैसे लड़की के बारे में बोल सकता है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वो वैसा वायलेंट कैरेक्टर था मूवी में एंड ही डिड ब्रिलियंटली, नो डाउट। सेकेंडली आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे फिर मूवी से? हाँ, शिनचैन डोरेमोन कौन, क्या मतलब कार्टून देखने आए हो क्या तुम लोग इधर? हाँ, यही सब होगा ना इस मूवी में, ऐसा पके क्या ये लोग? अभी तुम सब फेमिनिस्ट लोग मेरे को पूछोगे, ब्रो डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म? हाँ, यस आई डू। एक सिंपल मीनिंग है फेमिनिज्म का, मेल और फीमेल इक्वल। मेरे को एक गूगल वाला जो तुम लोग ने रट्टा मारा है वो मीनिंग मत मेरे को चिपकाओ तुम लोग। फेमिनिज्म मतलब फेमिनिज्म मीन्स मेल इज नॉट सुपीरियर टू फीमेल एंड फीमेल इज नॉट सुपीरियर सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये सब मेरे को मत बताओ तुम लोग। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल फेमिनिस्ट ऑब्वियसली, सिर्फ उन लोग के खिलाफ हूँ जो फेक गिरी कर रहे हैं और कबीर सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे भी कुछ दोस्त थे जो फेमिनिस्ट है, दे आर नॉट अगेंस्ट कबीर सिंह। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूवी को एक मूवी की तरह लिया। बात खत्म ना भाई, डोंट बी फेक यार, क्या है? आई एम ओनली अगेंस्ट पीपल लाइक दिस। This film has been made twice now. We need this to exist two times. Are you kidding me with this? इसका एक बहुत ही डिफिकल्ट सॉल्यूशन है कि आप ये मूवी मत देखो। कोई आपको घर से किडनैप करके थिएटर में फोर्सफुली बिठा के आपको बोल रहा नहीं है कि पिक्चर देखो भाई, देखो आपके लिए ही बनाई है, मत देखो यार। थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्यूशन है पर आप आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट। जब आप इस घिनौने विभत्स साइकोपैथ को हीरो बनाकर पेश करोगे, व्हेन यू एज अ डायरेक्टर आर इन लव विद द मैनलीनेस ऑफ दिस मैन एंड आर होपिंग कि सारे देखने वाले इसको देखकर सीटी और ताली बजाएंगे, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। क्यों भाई, क्यों तालियां सिटिया नहीं बजा सकते? एवेंजर्स मूवी पता है, एवेंजर्स, मार्वल एवेंजर्स, उस मूवी में तालियां नहीं बजती, सिटियां नहीं बजती क्या भाई? सलमान खान, शाहरुख खान, इनके तो 3 घंटे के मूवी में 1.5 घंटे तो तालियां और सिटियां तो बजती रहती है। तो अगर इनके मूवी में बज सकती है तो भाई कबीर सिंह के मूवी में क्यों नहीं बज सकती है? एंड मैं इमेजिन नहीं कर रही इसको देखकर ताली बजेगी, ताली ऑलरेडी बज रही है। अरे तो बजने दो ना भाई, ताली ताली बज रही तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ताली सबके लिए बजती है, अगर आपके लिए नहीं बजती तो हमारी गलती नहीं है। चलो आपके लिए मैं भी एक ताली बजा देता हूँ, जितना डिजर्व करते हो उतना ही मिलेगा भाई। आई हैवन्ट फेल्ट सो अनकंफर्टेबल इन अ मूवी इन अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें आपकी गलती है, अच्छे थिएटर में जाके बैठने का जहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स हो, तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा ही नहीं। इधर प्लास्टिक के कुर्सी पे बैठोगे तो ऐसा ही होगा ना। वन सीन हैज कबीर थ्रोइंग अ मैसिव ओवर द टॉप फिट क्योंकि उसको किसी ने नो बोला है फॉर समथिंग ही वांट्स। समथिंग ही वॉन्ट्स भाई, चॉकलेट के लिए मना नहीं किया किसी ने उसको, उसके लड़की के फैमिली ने शादी करने से मना किया और इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल दिया। तो भाई गुस्सा नहीं आएगा तो क्या भाई? जिंदगी सवार ठीक नहीं का गाना गाते गाते बाहर जाएगा क्या? नॉन सेंस बातें करते हो यार। Walking away and his lady love Stockholm syndrome की मारी प्रीति उसका पीछा कर रही है, लिपट गई है उससे, प्लीज कबीर मत जाओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो इंसान गुस्से में जा रहा है हमसे दूर, तो हम कोशिश करेंगे उसको रोक के उसको समझाने की। यार इसमें पागल वागल क्यों हो रही है लड़की? कुछ मतलब कुछ भी बके जाते हैं यार ये लोग। मेरे को एक बात बताओ यार, आप किसके साइड पे हो? किसके साइड पे हो आप? इधर लड़का भी वॉयलेंट है, पागल है, लड़की भी पागल है, दोनों पागल है। तो एक काम करो, आप ही आ जाओ, आप ही पिक्चर कर दो ना मस्त एकदम। नेक्स्ट। हाँ,
मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे बिना, प्लीज मान जा, प्लीज कबीर. ही टर्न्स अराउंड एंड स्मैक्स हर ऑन द फेस. देयर पिन ड्रॉप साइलेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मूवी में लड़की ने भी मारा है उसको थप्पड़, लेकिन वो तो चलता है अपने देश में, कॉमन है ना. अब तुम लोग बोलोगे लड़की ने तो कितना धीरे से मारा था ना. ओ बेटा, लड़के और लड़की के थप्पड़ मारने में ना थोड़ा सा फर्क होता है, ताकत का फर्क होता है, सिचुएशन अलग था, गुस्सा अलग था, सब कुछ अलग था. तो अगर आप ऐसे बैठ के सोचोगे कि भाई लड़की ने ये स्पीड से मारा तो लड़के ने वो स्पीड से क्यों मारा, तो वही स्पीड से थिएटर के बाहर निकल जाना चाहिए था ना. देखो मैं वापस बोलता हूँ, फेमिनिज्म मतलब लड़का और लड़की इक्वल. तो अगर लड़का लड़की को थप्पड़ मारे या लड़की लड़के को थप्पड़ मारे, वो उनका रिलेशनशिप मैटर है ना. तुम कौन होते हो बोलने वाले यार, कैसे टाइप के फेमिनिस्ट हो तुम लोग, वॉना बी हो, वॉना बी फेक फेमिनिस्ट हो. नेक्स्ट दिखा रे. अरे भाई मेरे पे क्यों भड़क रहा है अब. सॉरी भाई, नेक्स्ट दिखा. मैन इन द थिएटर शाउटेड वूहू. ये दिक्कत है, वन पर्सन शाउटेड इट, थाउजेंड्स आर प्रोबब्ली थिंकिंग इट. मैं कबीर सिंह देखने गया था थिएटर में, वो भी एक लड़की के साथ. हाँ, मैन वुमेन चिल्ड्रन एनिमल इंसेक्ट कोई भी वूहू ऐसा करके शाउट नहीं किया वो सिंह के बाद. अगर आप अभी नाके पे मेहुल टॉकीज में पिक्चर देखने जाते हो, हम लोग की क्या गलती है, ऐसे ही लोग मिलेंगे ना फिर उधर. और मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि किसी भी थिएटर में एटलीस्ट वो सीन के बाद तालियां या सीटियां नहीं बजी होंगी. सो प्लीज़ डोंट मेकअप ऑल दिस एंड गिव रॉन्ग डायरेक्शन टू पीपल. वैसे भी कितना मेकअप करते हो सबको पता है. सो नो वन शाउटेड इट अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई डोंट थिंक प्रोबेबली थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग अबाउट इट. कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई आज पिक्चर के बाद घर पे जाऊंगा, आइटम को फोन लगाऊंगा गर्लफ्रेंड को और जाके चमाट मारूंगा उसको. कोई ऐसा नहीं सोचता है मैडम, ये आपकी सोच होगी तो बदलो, देश बदलेगा. इफ यू आर अ मैन एंड यू वांट टू बी शाहिद कपूर, आई डोंट ब्लेम यू. ही इज गुड लुकिंग, चार्मिंग. इन दिस फिल्म हिज कैरेक्टर गेट्स अवे विद ऑल काइंड्स ऑफ बैड बिहेवियर. ही इज मोलेस्टिंग वुमेन, बीटिंग अप मेन, इवेंचुअली विदाउट एनी रिपरकशन. आई रिपीट, ये बस एक मूवी है और मूवी में वैसा वायलेंट सा कैरेक्टर है, आप एक कैरेक्टर को जज कर रहे हो फिर. तो ये मूवी ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताती है कि भाई डोंट बी लाइक कबीर सिंह. इफ यू वांट यू कैन लव लाइक हिम, बट डोंट लिव लाइक हिम. प्यार में बर्बाद मत हो जाओ यार. बॉलीवुड मूवीज लोगों को हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, नो डाउट. बट एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो एक मूवी को कैसे ले. फॉर एग्जांपल मूवी लाइक गली बॉय इन्फ्लुएंस मी अलॉट, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला उस मूवी से बिकॉज आई डिसाइडेड टू टेक इट. वही कबीर सिंह की बात करें अगर हम तो नो, आई मेरे को कुछ नहीं हुआ उससे. मेरे को मन नहीं किया कि भाई पिक्चर के बाद मैं जाऊंगा रोज सिगरेट पीऊंगा, दारू पीऊंगा, ड्रग्स करूंगा, लड़कियों को मारूं, इसको मारूं, उसको मारूं, वायलेंट बनूंगा. नहीं हुआ मुझे कुछ. व्हाई? बिकॉज आई डिसाइडेड नॉट टू टेक इट. मैंने ये सीखा कि भाई मुझे कबीर सिंह की तरह नहीं बनना है. स्मार्ट एंड सिंपल यार. थैंक यू. सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो आजकल की लड़कियाँ हो गई है, क्योंकि अभी सबको कबीर सिंह जैसा लवर चाहिए, सबको वैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए ना. भाई वो थोड़ा साइको है, वो आज प्यार कर रहा है तो कल मार भी देगा. तो इंस्टाग्राम पे कोट्स वोट्स डालना बंद कर दो कि भाई बॉयफ्रेंड हो तो कबीर सिंह जैसा हो. अगर मिल भी गया ना भाई, दो दिन में ब्रेकअप हो जाएगा. वैसे ही चार दिन चलता है तुम लोग का. कोई ढंग का ढूंढो मेरे जैसा. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ब्रिंग्स यू टू अ पॉइंट वेयर यू लीव द थिएटर थिंकिंग वाह क्या आदमी है यार, प्यार में कुछ भी करने को तैयार. अगेन मैडम, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना. एक 18 साल के इंसान को इतनी तो समझ होती है कि क्या सही है क्या गलत है. अगर नहीं है उतनी भी समझ तो प्लीज आप राहुल गांधी के साथ जाकर पोगो देखो. नेक्स्ट. नो नो नो. व्हेन यू किडनैप अ क्वाइट डेम्योर 19 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम हर एमबीबीएस क्लास एंड टेक हर टू अ रैंडम फील्ड टू अब्यूज योर पावर एज अ सीनियर हु आल्सो डबल्स एज अ टीचर एंड यू हैव योर वे विद हर व्हाइल शी लुक्स ऑन सीमिंगली हैविंग एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. किडनैप, किडनैप का मीनिंग भी पता है क्या क्या होता है? नो नो नो. गूगल वाला मीनिंग नहीं दूंगा मैं. किडनैप मतलब किसी को उठा के ओमनी में बिठा के भगा के ले जाना. लेकिन कबीर सिंह इज्जत में आया, परमिशन लिया, प्यार से उसको उठा कर लेके चले गया. और वो भी अपने मर्जी से गई सबके सामने ना. और उधर रैंडम फील्ड में जाके कुछ गलत किया कबीर सिंह ने? हाँ, क्या उसको मारा, उसको कुछ अब्यूज़ किया, उसको मॉलिस्ट किया उसको? नहीं, वो उससे प्यार करता था और रिस्पेक्ट करता था उसकी. वो उसको एक अलग वे में पढ़ाई भी सिखाता था सब. तो क्या उसमें गलत क्या है यार? And your directorial choice at this point is to play a song which says "Kaise hua, tu itna zaruri kaise hua." You're making us empathize with the irrationality of your protagonist, telling thousands of people watching your film that this is okay. और अभी तुम लोगों को song से भी problem होने लगा. कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कोई भी song होने दे. और अभी song से भी problem है इन लोगों को. कौन है, क्या है?
And when you make the object of his desire, the girl he's interested in, sit with another girl student who you don't think is attractive and say, healthy chicks are like teddy bears. Good looking chicks and healthy chicks are a great combination. Aaj se dost ban jao. What are you trying to say? Seedha aapne dono ladkiyon ki self-esteem pe punch mara na. You know what? Theek hai, barabar bola. Par ek ladki hoti hai na, wo apne guy best friend ko, jo thoda cute hai, thoda fat, healthy hai, usko teddy bear, polar bear, panda panda bolti hai. हम लोग दिल पे नहीं लेते हैं बात. ओ स्वीट ये करके छोड़ देते हैं हम लोग. तो आप भी क्यों दिल पे ले रहे हो यार. इफ़ दैट गर्ल डूइंग दैट सीन, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भाई आपको क्या हो रहा है. एक जोक को जोक की तरह लो ना. अगर हर चीज़ पे ऑफेंड होंगे ना मैडम तो भाई आपको तो बस पोगो ही देखना पड़ेगा. फिर एक केबल ऑपरेटर को फ़ोन लगा, वो 31 मार्च भी निकल गया, अभी क्या करोगे. लेकिन भाई देख लो कुछ होता है तो. His best friend is ready to marry his sister off to the... एक मिनट. His best friend is ready to marry his sister. अरे भाई, his best friend wants Kabir to marry his sister. क्या half knowledge लेके आते हो तुम लोग वीडियो बनाने के लिए. पहले get your facts clear यार. चल माफ कर दिया. Next. I can't see you like this man. मेरी बहन से शादी करेगा. What? First of all, वो जो character है शिवा, उसने clearly बोला है कि उसके बहन को कबीर पसंद है, वो कैसा भी हो. तो ये कुछ फोर्सफुली या मेहरबानी नहीं कर रहा है वो दोस्त कबीर पे. सो दैट्स इट. हाफ नॉलेज लेके वापस आ गए तो हाफ हाफ क्या लगा. बाय गॉड की कसम, अगर ये मेरा काम नहीं होता, आई हैव लेफ्ट द थिएटर 30 मिनट्स इनटू द फिल्म. इंटरवल तो दूर की बात है. जिस टाइप का नॉलेज लेकर आप आई हो ना वीडियो बनाने के लिए, पक्का 30 मिनट्स के पहले अपने थिएटर छोड़ दिया होगा. तो बराबर है. चलो बस हो गया ये सब. अभी एक सिंपल चीज़ मेरा ओपिनियन बताता हूँ कि अगर आपने कबीर सिंह नहीं देखी अब तक तो जाकर देखो, क्योंकि शाहिद कपूर ने बढ़िया काम किया है एंड ही डिजर्व्स अटेंशन. इस देश में पहले क्या कम प्रॉब्लम्स है क्या, जो आपने कबीर सिंह को एक टॉपिक ऑफ डिबेट बना दिया. क्या होने वाला है इससे, देश बदलने वाला है मूवी निकालने से. ये मूवी ने अपना काम कर दिया है. मेरे भी बहुत दोस्त है जो फेमिनिस्ट है, लेकिन उनको कबीर सिंह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि वो रियल फेमिनिस्ट है ना, फेक नहीं. ये जो फेक और वॉनबी फेमिनिस्ट लोग हैं ना, इन लोग को ही प्रॉब्लम हुआ है कबीर सिंह से. क्या पता कुछ 4-5 बार देख के होंगे थिएटर में जाके. देखो गाइज, ये मूवी 18+ है, अडल्ट मूवी है, और एक अडल्ट को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि किस मूवी से हमें क्या सीखना चाहिए यार. सो प्लीज़ डोंट एक्ट डम मैन. ये फेक लोगों के नहीं सुनना नहीं इन लोग का. तो या एंड मूवी कुछ फॉल्स चीज़ प्रमोट नहीं कर रही है, सिर्फ एक रियलिटी बता रही है. हर मूवी लाइक टाइम पास फिक्शन नहीं हो सकती. सो या इस मूवी में कुछ मुझे तो नहीं लगा कुछ ऐसे फॉल्स चीज़ है या टॉक्सिक पॉइजन, रैट पॉइजन कुछ नहीं है इस पिक्चर में. तो जाके देखो. एक थोड़ी सी अलग लव स्टोरी है इस मूवी में. एक सिंपल शाय लड़की जिसने अपना कैरेक्टर बढ़िया से किया है, और एक एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड, वॉयलेंट, हॉट हेडेड लड़का जिसने अपना कैरेक्टर बढ़िया से किया है. तो बस यही तो मूवी है. मूवी को मूवी की तरह रहने दो यार. फेमस होना है तो भाई टिकटॉक पे जाओ ना तुम लोग. इधर फेक गिरी मत करो रे तुम लोग. इनको कितने बार समझो मैं. अगर कबीर सिंह देख के आपको कुछ अफेक्ट हुआ, लाइफ चेंज हो गई, तुम लोग के लाइफ बर्बाद हो रही है, तो आप मेंटल हो. थोड़े नहीं, पूरे मेंटल हो. मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखता हूँ. आज तक मैंने तलवार हाथ में ली नहीं और मूड भी नहीं हुआ कभी लेने का. आज तक मैंने वाइन नहीं पिया कभी, सिर्फ वाइन बनाता हूँ. मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, सीक्रेट गेम्स और ऐसे बहुत वॉयलेंट चीज़ें देखी है, लेकिन मैं हूँ ना जिंदा. इधर हूँ ना जेल में गया, मैं किसी का मर्डर किया है, मैं हूँ ना इधर बात कर रहा हूँ ना तुमसे सामने. अगर आपको नहीं जमता है ना ये सब रियलिटी, ऐसे अच्छे मूवीज़ नहीं जमता है ना, तो आप जाके ना फिक्शन मूवीज़ देख लो. रोहित शेट्टी भी पिक्चर बनाता है, इधर उधर गाड़ी उड़ाता है, एक गाड़ी में बैठ जाओ, उड़ जाओ आप भी. वरना पोगो तो है आपके लिए. मैं मेरे केबल ऑपरेटर से बात करता हूँ आज, आपको पोगो हंगामा सब एक पैकेज में दे देता हूँ मैं. टेंशन मत लो, अब मैं हूँ. बोर हो गया अभी. चलो गाइस, तो ये मेरा ओपिनियन था. आपको बाकी मूवी देखना है तो देखो, मत देखना है तो मत देखो. मैं थोड़ी कौन सा बॉक्स ऑफिस खोल के देता है. बस इन फेक वॉनबी फेमिनिस्ट, वॉनबी ऐसे फालतू लोग से ना थोड़ा दूर रहना. सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. जय हिंद.